Realme Narzo 70 Turbo versus Infinix GT20 Pro, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा स्पेशली गेमिंग के लिए अगर तुम PUBG भी जमा खेलते हो, क्योंकि एक फोन 15,000 के अंदर तुम्हें 90 FPS की गेमिंग करा के दे रहा है और वहीं पे Infinix GT20 Pro तुम्हें 20,000 के अंदर 120 FPS की गेमिंग करा के दे रहा है। तुम्हें इसमें Realme Narzo लेना चाहिए या फिर Infinix GT20 Pro। और मैं Realme Narzo बार बार नहीं बोलूंगा, Realme Narzo 70 Turbo घंटा, मैं सिर्फ Realme Narzo बोलूंगा, बहुत लंबा नाम है इस फोन का, मैं परेशान हो जाऊंगा बोलते बोलते। तो प्रॉपर कंपेयर करके देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा फोन बेटर है और तुम्हें कौन सा लेना चाहिए, मतलब एक तरीके से 90 वर्सेस 120 करेंगे और हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। तो अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई तुम्हें 15,000 रुपए लगाकर Realme Narzo 70 Turbo लेना चाहिए या फिर 20,000 रुपए लगाकर Infinix GT20 Pro, तो इस वीडियो को देख लो, एकदम डिटेल में समझ जाओगे। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। तो और मेरे गेमर्स, क्या हाल चाल है यार। अब बात करें इन दोनों ही फोन्स की स्पेसिफिकेशंस की, तो भाई Infinix GT20 Pro के अंदर जो तुम्हें डिस्प्ले देखने को मिलता है वो तुम्हें देखने को मिलता है 6.78 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले, जिसके अंदर 1300 nits का पीक ब्राइटनेस है विथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अगर वहीं पे देखें हम Realme Narzo 70 Turbo के अंदर, तो भाई तुम्हें जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो है 6.67 इंच का FHD OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है विथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एंड इसके अंदर जो तुम्हें पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है वो है 1200 nits का। अब तुम्हें यहाँ पे लग रहा होगा कि Realme Narzo 70 Turbo का भी जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छा है। ना 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 ना, Realme Narzo का जो ये 70 Turbo, कितना लंबा नाम है, पहले नाम छोटा करो Realme वालों, प्लीज प्लीज, परेशान हो गया यार बोल बोल के। एक तो ना टाइटल में आता ना थंबनेल में आता है इसका नाम, दिक्कत ही दिक्कत है भाई। खैर, जो इसका मैं बात कर रहा था पीक ब्राइटनेस का, जहां तक मैंने रिसर्च किया है वहां तक मैं देख रहा हूँ कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स यू नो माने जाने, वो बोलते हैं कि इसके अंदर तुम्हें 1200 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। और अगर वहीं पे मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ रियलमी के, तो वहां पे लिखा हुआ है 2000 nits का। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई कोई एक ब्राइटनेस पता और वीडियो को ज्यादा लंबा मत खींच। मैं खींचूंगा, मेरी मर्जी, मेरा चैनल, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, चुपचाप देख, चुपचाप देख। देखो यहाँ पे ना, अगर मैं तुम लोग को सिर्फ एक चीज बताता हूँ ना, तो कल होके तुम लोग ही आके मुझे सुनोगे कि रावण को तो कुछ पता ही नहीं है, रावण तो गलत बता देता है। अबे दिमाग खराब हो जाता है अगर दोनों जगह से अलग अलग चीजें निकलेंगी, यूट्यूबर बोलेगा ये और वेबसाइट बोलेगा अलग, तो हमारी गलती है इसमें नहीं, ये भी मेरी गलती है। देखो यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं यूट्यूबर्स, जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं HBM। अब HBM का मतलब क्या है तुम लोग सोचोगे, तो भाई ये देखो HBM का मतलब क्या होता है, या तो मैं खुद भूल गया क्या बोलते हैं HBM को, हाँ याद आया, हायर ब्राइटनेस मोड। आई होप कि मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ और तुम लोग बोलो भाई ये क्या है, तो धूप में साफ दिखेगा, ऐसा बता रहे हैं। देखो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, हो सकता है कि ये लोग 2000 nits का भी पीक ब्राइटनेस ले आए, या हो सकता है ये किसमें अंदर 1200 nits का ही पीक ब्राइटनेस आए। तो अगर 1200 nits का आता है तो बढ़िया है, और 2000 का आता है तो वो भी बढ़िया है। मैंने तुमको दोनों चीज बता दी, कल अगर मुझे उल्टा पुल्टा मत बोलना कि भाई तेरे को पता नहीं है, दो चीजें बता लेंगी तो दो ही चीजें बताऊंगा ना। खैर, अब बात करें दोनों फोन्स के बैटरी एंड चार्जर की, तो भाई Infinix G20 Pro के अंदर तुम्हें 5000 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है विथ 45 watts का चार्जर, ठीक है, एंड सेम एसी की तरह, मतलब इसमें भी ऐसा ही है, मतलब 5000 mAh का बैटरी बैकअप है एंड 45 watts का चार्जर है Realme Narzo में भी सेम, बट ये लोग फास्ट चार्जर बोल रहे हैं। आई डोंट नो कैसे बोल रहे हैं, क्या कुछ इनोवेशन लाने वाले होंगे, हो सकता है। अब बात करें दोनों फोन्स के कैमरा की, तो भाई Infinix GT20 Pro के अंदर तुम्हें 108 megapixel का मेन कैमरा देखने को मिलता है विथ 32 megapixel का सेल्फी वाला कैमरा, लेकिन अगर वहीं पे देखें हम Realme Narzo 70 Turbo के अंदर, तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है एंड जो सेल्फी वाला है वो है 16 मेगापिक्सल का। तो अब डेफिनेटली Infinix GT20 Pro जीत चुका है कैमरा के मामले में। देखो एंड्रॉयड के जो पिक्सल्स होते हैं ना, 200 मेगापिक्सल्स के भी कैमरा आते हैं, बट उतने कुछ खास क्वालिटी वाइज होते नहीं है। तो सही है, दोनों फोन ठीक ठाक फोटोज निकाल लेंगे, बट Infinix में ज़्यादा मेगापिक्सल्स हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा बेटर निकाल लेगा फोटोज। खैर, अब बात करें इन दोनों फोन्स के इंटरनल चीजें की, मतलब प्रोसेसर वगैरह क्या मिलता है, तो भाई Infinix GT20 Pro के अंदर तुम्हें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है MediaTek का Dimensity 8200 का 4M पे बेस वाला प्रोसेसर, जिसके अंदर जो Antutu स्कोर देखने को मिलेगा वो है 9,50,000 प्लस। अगर वहीं पे देखें हम Realme Narzo 70 Turbo के अंदर जो तुम्हें प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है लेटेस्ट Dimensity का 7300 का एनर्जी वाला प्रोसेसर, जिसका जो Antutu स्कोर है वो 7,50,000 ऐसा बोल रहे हैं, और इतना ही है। तो अब तुम्हें क्लियर दिख रहा है कि Infinix GT20 Pro का जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा पावरफुल है। खैर, अब इसका बात करेंगे भाई कितना FPS दोनों सपोर्ट करेगा, तो भाई Infinix GT20 Pro आराम से
स्मूथ प्लस 90 FPS की गेमिंग करा के देता है BGMI में, ठीक है, BGMI 90 FPS सपोर्ट करता है, लेकिन PUBG के अंदर 120 सपोर्ट करने लग गया है Infinix G20 Pro। तो बेसिकली जैसे ही BGMI के अंदर 120 FPS का सपोर्ट आएगा, वैसे वो भी सपोर्ट करना शुरू कर देगा। ब्लै 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 बोल बोल के पक चुका हूँ मैं। लेकिन वही मैम देखिए, Realme 70 Turbo के अंदर, मैं बोल तो रहा हूँ किसका नाम पूरा लूंगा नहीं, लेकिन बार बार बोल दे रहा हूँ, देखो Realme Narzo बना, इसके अंदर भी 90 FPS सपोर्ट करता है, और इसके अंदर तुम्हें HDR 60 FPS भी सपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब HDR Extreme भी चलेगा, तो बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है गेमिंग के लिए। FPS सिर्फ देने से नहीं होता है, एक्चुअल में चलेगा कौन सा, ठीक है, ये भी तो जानना जरूरी है। वो बताने से पहले मेरा तुम सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोग इस चैनल में नहीं आ रहे हो तो करके आ रहे हो, करके आ रहे हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं किया तुमने अभी तक, अभी के अभी करो, नहीं तो घर में घुस के फोन लेके सब्सक्राइब कर दूं, जल्दी जल्दी हमें 50K हिट करना है, तो ऐसे ही गेमिंग वीडियोस के लिए कर सकते हो। खैर अब मैं सीधा आता हूं पॉइंट पर, अब बात करें यार कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर रहेगा। 90 वर्सेस 120 है, ठीक है, देखो डेफिनेटली 120 भले ये दे रहा हो लेकिन पबजी में दे रहा है, और हम सब खेलते हैं BGMI, तो एक हिसाब से हमारे पास 90-90 ही है। लेकिन यहाँ पर सीन ये है कि एक फोन 15,000 में 90 दे रहा है, एक फोन 20-23,000 के अंदर 90 दे रहा है, और दोनों फोन्स की जो प्रोसेसर है वो भी अलग अलग है। पहली बात अगर मैं बात करूँ, अगर अफोर्डेबल साइड में जाऊँ वो मैं तुम्हें आगे बताऊँगा, लेकिन अगर कंपेयर करके देखें दोनों के 90 को, कौन सा 90 ज़्यादा स्टेबल निकाल के देगा, तो भाई डेफिनेटली Infinix G20 Pro का जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा उसके अंदर एंड्रॉइड स्कोर भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छा खासा मतलब 90 निकाल के देगा। एंड्रॉयड में तो भाई कोई भी 90 ढंग से चलता नहीं है भाई, बहुत भयानक महंगे फोन्स में जाओगे तब ज़्यादा चलेगा, मतलब 40-50,000 में जाओगे IQ12 लोगे तो वो थोड़ा स्टेबल चलेगा, क्योंकि 15,000 का कोई फ़ोन हो या फिर 20,000 का फ़ोन हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो उस लेवल की अच्छी खासी गेमिंग लॉन्ग टर्म में करा के नहीं दे पाएगा, स्पेशली 90 FPS। लेकिन अगर हम प्रेजेंट वे में देखें तो कहीं ना कहीं 15,000 से ज़्यादा 20-22,000 का फ़ोन ज़्यादा अच्छा करा के देगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसर भी ज़्यादा है, क्योंकि तुम देखो Infinix के अंदर जो प्रोसेसर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, 200 का प्रोसेसर है उसके अंदर, तो वो ज़्यादा बढ़िया गेमिंग करा के देगा, उसका एंथोथू स्कोर भी 9,50,000 है, कहाँ वो 7,300 का एनर्जी वाला प्रोसेसर जो 7.5 लाख सपोर्ट कर रहा है, कहाँ ये 9.5 लाख सपोर्ट कर रहा है, तो डिफरेंस है। तो क्लियरिटी यही है कि भाई 90 जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल Infinix G20 Pro के अंदर ही चलेगा। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे बजट पे, अगर तुम्हारा बजट है 20-22,000 तो तुम जाओ Infinix G20 Pro के साथ, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा बजट कम है, तुम्हारा बजट बहुत ही ज़्यादा कम है, लाइक 15,000-16,000 में तुम्हें ढूंढ रहे हो अच्छा सा फ़ोन, तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम Realme Narzo 70 Turbo की तरफ जाओ। और हाँ, इन दोनों फोन्स के बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर खरीदना, तुम्हें थोड़ा बहुत सस्ता पड़ेगा। और हाँ, Realme Narzo 70 Turbo अभी तक आया नहीं है, ये 16 सितंबर के आसपास सेल स्टार्ट होगा, तो तब तक अभी तो लिंक अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन मैं फ्यूचर में लिंक लगा दूंगा जब फोन अवेलेबल हो जाएगा। खैर ये वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, मैंने Infinix G20 Pro के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हुए एक और वीडियो बनाई थी, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में बात किया था उस फोन के बारे में, तो तुम्हें वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर तुम Realme Narzo 70 Turbo लेने का सोच रहे हो तो तुम्हें वो वीडियो भी जरूर देखना चाहिए, जिसका लिंक एकदम ही सामने आ रहा है, क्लिक करो और अभी देखो।